हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का, जो कि अनुच्छेद 25 और 28 में दिया गया है। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं, और इससे पहले वाली अपनी वीडियो में मैं जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसके बारे में वर्णन कर चुकी हूँ। तो थोड़ा सा इस स्वतंत्रता के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह धार्मिक स्वतंत्रता क्या है। धार्मिक धर्म के आधार पर स्वतंत्रता क्यों कैसे है कि भारत एक जो है वो धर्म निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, कैसा राज्य है भारत? एक धर्म निरपेक्ष, यानी कि सभी धर्मों को यहाँ पे बराबर का दर्जा है, कोई भी धर्म खास नहीं है, सभी धर्मों की समानता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी के अनुसार हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि कोई भी धर्म अपना सकता है, छोड़ सकता है। तो ऐसी तो स्वतंत्रता संविधान में वर्णित की गई है। तो इसमें कुछ अंश है जो अनुच्छेद 25 और 28 में दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, तो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब होता है मन से किसी चीज को मान लेना। ठीक है, मन ही मन में किसी चीज को मान लेना, तो ऐसी स्वतंत्रता है। और धर्म के अभ्यास, कोई भी अपने धर्म का अभ्यास कर सकता है, प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, यानी कि अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार द्वारा अपने धर्म का फैलाव कर सकता है। तो अनुच्छेद जो 25 है वो क्या कहता है? ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म को स्वतंत्र रूप से, मतलब आजाद हैं, कोई इनके लिए बंदिश नहीं है, बिल्कुल आजाद रूप से मानने की, आचरण करने की, उसके अनुसार कि धर्म में जो बातें हैं, जैसे हिंदू धर्म कहता है कि गाय की पूजा करो। ठीक है, हिंदू धर्म क्या कहता है? गाय की पूजा। तो हिंदू धर्म वाले लोग गाय की पूजा करते भी हैं और प्रचार करने की, और इसी तरह से अपनी इन बातों का प्रचार करने का समान अधिकार है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने ही धर्म भारत में रह रहे हैं, तो सभी को समान अधिकार है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर इसकी सीमाएं भी निश्चित की गई हैं। तो वो क्या क्या है? कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बल या प्रलोभन द्वारा अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करने हेतु बाध्य कर सकता है। ठीक है, क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बल या प्रलोभन द्वारा अपना धर्म बदलने के लिए बाध्य कर सकता है। कुछ मानवीय अवैध और अविश्वसनीय प्रथाओं पर प्रतिबंध आरोपित किया कर दिया गया है। ठीक है, जो मानवीय नहीं है, जो मानव की दृष्टि से सही नहीं है, तो उन्हें अमानवीय कहा गया है। अवैध जो कानून रूप से वैधानिक नहीं है, और इसी तरह से अंधविश्वास भरी प्रथाएं, तो उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। देवी देवता तथा कुछ अलौकिक शक्तियों को अर्पित करने हेतु पशु और मनुष्यों की बलि जैसी जो धार्मिक प्रथा है, जो प्राचीन प्रथा थी, उनकी भी अनुमति नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे पहले पशुओं को धर्म के नाम पर और मनुष्यों को बलि दी जाती थी, वो प्रथा अब संविधान द्वारा समाप्त कर दी गई है। और फिर क्या है इसमें? एक कानून एक विधवा को सती प्रथा के नाम पर, सती प्रथा थी पहले समाज में व्याप्त, तो उसके नाम पर मृत पति के साथ स्वेच्छा से, यानी कि उस औरत की मर्जी होती या मर्जी के खिलाफ, ठीक है, जबरन साथ रहने हेतु स्वयं के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं देता। स्वयं का मतलब उस, स्वयं का मतलब है यहाँ पे उस औरत को पति के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट, जैसे उपरोक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त राज्य को धर्म से संबंधित किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्म निरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने की शक्ति भी
प्राप्त है। क्या है? धर्म से संबंधित कोई भी आर्थिक, जैसे किसी भी धर्म को अपना प्रचार करना है या पैसा कमाना है किसी धार्मिक संस्था को, तो ऐसी आर्थिक और वित्तीय, राजनीतिक रूप से और धन निरपेक्ष जो गतिविधियां हैं वो विनियमित यानी कि नियमों के अनुसार चालू रख सकती हैं। तो राज्य इस अधिकार पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध भी आरोपित कर सकता है। अब धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की, जो धार्मिक मामले हैं उनकी स्वतंत्रता मिली हुई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद जो 26 है, वो ये कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक समूह अथवा उसके किसी भी वर्ग को क्या अधिकार होगा। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सार्वजनिक सब लोगों के लिए सदाचार और नैतिकता, अच्छा व्यवहार, आचरण एवं स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक समूह, कोई भी धार्मिक समूह, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है, ठीक है, मुस्लिम या सिख, उन सब को ये अधिकार होंगे। क्या क्या अधिकार होंगे? धार्मिक एवं धर्मांत उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना करना, ठीक है, अपने धर्म के प्रचार हेतु या धर्म की कोई भी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए तो वो संस्थान बना सकते हैं, उनका रख रखाव कर सकते हैं। धर्म के मामलों में अपने प्रबंधन करने हेतु ये है स्वतंत्रता मिली हुई है। चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण, चल और अचल संपत्ति, चाहे चल संपत्ति है चाहे चल, तो ये सब किसी भी धर्म के लोग को अधिकार है कि वो उस पर स्वामित्व रख सकता है, यानी कि उसके हक में हो सकती है। ऐसी संपत्ति को कानून के अनुसार प्रशासन करना, ठीक है। नेक्स्ट है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान में स्वतंत्रता, तो करों का भुगतान करने में भी कोई भी धार्मिक व्यक्ति धर्म के प्रचार में पूरी तरह से स्वतंत्र है। अनुच्छेद जो 27 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है किसी भी व्यक्ति को कर का भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय विशेष रूप से किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव पर किए गए व्यय के भुगतान के रूप में उपयोग की जाती है। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका कर है, किस लिए उसने अपनी आय को कहाँ यूज कर दिया है, किसी भी धार्मिक या धर्म समुदाय के रख रखाव पर, तो उस पर जो खर्च हो रहा है तो वहाँ उसकी आय खत्म हो जाती है, तो उसको कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर इसमें क्या है, क्या प्रावधान किया गया? कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में पूरी तरह से आजादी है। जहाँ भी धार्मिक संस्थाएं जिन भी लोगों ने स्थापित की है तो उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में कोई भी शामिल हो सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 28 वो ये कह रहा है, ये कहता है कि राज्य के धन से पूरी तरह से स्थापित किए गए किसी भी शैक्षणिक स्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये जो स्वतंत्रता मिली है ये व्यक्तिगत पैसे से मिली है, लेकिन यहाँ क्या है अनुच्छेद 28 में कि राज्य, अगर राज्य धार्मिक संस्था कहती है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा या निर्देश प्रदान कर रहा है तो वहाँ पे ये राज्य अपने धन को नहीं लगाएगा। तो निम्नलिखित सीमाएं इसके लिए निर्धारित की गई हैं, क्या क्या हैं? यह उस शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा जो राज्य द्वारा प्रशासित है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संस्था है? निजी संस्था, ठीक है। राज्य अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से तो खर्च कर सकता है, लेकिन वो बाध्य नहीं है। क्या बाध्य नहीं है? कि भाई किसी निजी संस्था को पैसा दे उसके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इसमें ये सीमा लगाई गई है। तो किसी भी न्यास के अंतर्गत स्थापित किया गया है,
ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जानी अपेक्षित है। अब किंतु ऐसी संस्था में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को वहाँ दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने और वहाँ आयोजित होने वाले किसी भी धार्मिक उपासना में सम्मिलित हेतु होने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब वहाँ पे शिक्षा जो दी जा रही है और जो देने वाले हैं, जो भी व्यक्ति वहाँ जा रहा है, उस पूजा में उपासना में शामिल होने के लिए उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं कि उसका वहाँ जाना जरूरी है। अवयस्क जो वयस्क नहीं हुए हैं, ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए किसकी सहमति बहुत जरूरी है? उसके अभिभावक की। अभिभावक मतलब पेरेंट्स, माता पिता या जो भी केयर टेकर हैं। और वो किसके? अवयस्क जो वयस्क नहीं है, जो 18 से नीचे हैं, यानी कि बच्चों को जो धार्मिक गतिविधियां है उसमें भाग लेने के लिए सबसे मेन जरूर सहमति किसकी आवश्यक है? अभिभावक की। ठीक है, तो ये है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार का महत्व या उसका प्रावधान, उसकी सीमाएं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इससे पहले मैंने स्वतंत्रता, समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार का भी वर्णन किया है, जो बहुत ही संक्षेप में है, बहुत ही छोटी सी वीडियो उनकी डाली है। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो थैंक्स, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू